खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। आपका स्वागत है। पूरे देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,10,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 13,254 लोग अब तक कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में जरा देखिए, 5,834 कुल पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में जरा देखिए, 3,952 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं जब बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर 10,000 से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है और कुल आंकड़ा 10,223 हो चुका है। वहीं जब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 14,691 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। गुजरात के अंदर 16,000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव हैं, 16,594 कुल पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं जब महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में 1,28,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कर्नाटक देखिए, 8,697 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें केरल की, तो केरल के अंदर 3,039 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान आपको बता दें कि लगभग रिकवरी रेट हर प्रदेश के अंदर 50% के आसपास है। तो जब हम आपको पॉजिटिव केस बता रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि इसको आप आधे कर दीजिए, एक्टिव केस उतने हैं। दिल्ली के अंदर जरा देखिए, दिल्ली में 56,746 कुल पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। वहीं जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो 11,724 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो पॉजिटिव केस की संख्या है वो 2,041 है। वहीं जब बात हम लद्दाख की करते हैं, तो लद्दाख के अंदर अब आंकड़ा 836 पहुंच चुका है। वहीं उत्तराखंड के अंदर ये आंकड़ा 2,301 है। जब बात यूपी की करते हैं, तो यूपी के अंदर आंकड़ा 15,000 को पार कर चुका है और कुल आंकड़ा 15,785 पहुंच चुका है। वहीं यूपी के बाद अब बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर जो पॉजिटिव केस का आंकड़ा है वो 7,583। और वहीं जब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में ये आंकड़ा 13,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। और अगर कुल आंकड़े की बात की जाए, तो 13,531 इस वक्त पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ओडिशा के अंदर जो पॉजिटिव एक्टिव केस आज तक की तारीख में रजिस्टर किए गए वो आंकड़ा 4,856 है। वहीं तेलंगाना के अंदर 7,072 कुल पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर ये आंकड़ा 8,452 के आसपास। और तमिलनाडु में कुल पॉजिटिव आंकड़ा अगर बात की जाए जो अभी तक रजिस्टर हुए हैं, वो संख्या 56,845 कुल पॉजिटिव केस अभी तक रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा अगर बात पूरे देश की जाए, तो 4,00,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कुल आंकड़ा 4,10,461 है। वहीं मरने वालों की संख्या 13,254 हो चुकी है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि अनलॉक का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप एहतियात बरतना छोड़ दें। लगातार मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और 2 गज की दूरी बनाकर रखिए।